अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल मज़े कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत सिंपल सी एंड वेरी इजी एंड क्विक। तो हम बना रहे हैं आज होममेड खोया। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 5 cups ऑफ होल मिल्क, which is equal to about 1 liter. अब हम उसमें डालेंगे 2 tablespoons ऑफ बटर और घी, इट डिपेंड्स ऑन यू, और उसको बॉईल करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। और जैसे ही बटर मेल्ट होना स्टार्ट होगा आप उसको एक क्विक स्टर दे दें जी। तो आप देखें हमारा मिल्क बॉईल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम पे रखेंगे। आप लो पे भी पका सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज इसको क्विक स्टर की ज़रूरत होती है और इसको जो है कंटिन्यूसली हमने उसको वॉच करना होता है और उसके एजेस जो हैं वो साथ साथ स्क्रेप करते जाएं। और अब हम इसको रिड्यूस करेंगे टू मीडियम थिक कंसिस्टेंसी। इट कैन टेक ऑन अबाउट 40 to 45 minutes, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेम कि कितना आपने आग को रखा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारी जो है वो मिल्क रिड्यूस हो चुका है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था, लेकिन आप उसको लो पे भी कुक कर सकते हैं क्योंकि लेकिन इट विल प्रोलॉन्ग आपका कुक टाइम को। और एजेस को साथ साथ स्क्रेप करते जाएं ताकि वो एजेस बर्न ना हो। तो देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये जो है क्लम्पी होना शुरू हो गया है एंड इट्स स्टार्टिंग टू गेट थिकर। एंड लाइक आई सेड, एजेस को साथ साथ स्क्रेप करते जाएं। जी अब तो आप देख सकते हैं इट इज कमिंग टुगेदर नाउ और फ्यू मोर मिनट्स एंड वी विल बी डन। और इस पॉइंट पे जब हम आ चुके हैं तो आप इसको बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो ये पैन के साथ स्टिक हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप स्टरिंग इट, उसको बिल्कुल चम्मच चलाते रहना है इस पॉइंट के बाद। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कुक हो रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है, इट इज़ मोर येलोइश नाउ, और शुरू में ये बहुत वाइट था। तो अब हम बहुत करीब आ चुके हैं, ये बिल्कुल होने ही वाला है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है पूरा एक साथ इनकॉर्पोरेट हो चुका है, बिल्कुल कोएगुलेट हो गया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको और थिक कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी देर और पका के थोड़ा और थिक किया था, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप जैसा भी रखना चाहें। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको थोड़ी देर और पकाया था तो ये बिल्कुल कोएगुलेट हो चुका है, इट हैज़ कम टुगेदर। तो अब ये हमारा खोया तैयार है, तो अब हम इसको सर्व करते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा मज़ेदार खोया तैयार है, जो कि आपको पता है कि हम मिठाइयों में, खीर में और डिफरेंट डिज़र्ट्स में एज अ बेस यूज़ होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप बर्फ़ी बनाएं तो उसमें हमारा खोया यूज़ कीजिएगा, और मुझे यकीन है कि वो बहुत मज़ेदार बनेगी। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल क्लम्पी है, जैसा कि खोया हम बाज़ार से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसा ही है।
और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा क्रंपली था. सो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. सो कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप लविंग अस. आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के साथ का बहुत शुक्रिया. हुमा किचन एंड ब्लॉग की तरफ से मैं लूँगी इजाज़त. एंड ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.